नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हर एक अपडेट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बंपर भर्तियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी सूचना, जिसके अंदर आपको मुख्यमंत्री जी की घोषणा पत्र के साथ ये सूचना दिखाई जाएगी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने पटवारी, LDC और भी बहुत सारी भर्तियों की घोषणा की है। तो किन किन भर्तियों की घोषणा की गई है, विद प्रूफ आपको बताया जाएगा। वीडियो पूरा एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही न्यूज़ लेकर आएंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आएंगे। राजस्थान और केंद्र सरकार से जुड़ी हर एक भर्ती का अपडेट आपको सबसे पहले लेकर आएंगे। तो चलिए बिना आपका समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री जी का नोटिस। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। सबसे पहले हम पटवारी के 3835 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पटवारी के पदों की बात कर लेते हैं। 3835 पदों पर मंजूरी मिल चुकी है, जयपुर 13 जुलाई की ये न्यूज़ है। राज्य सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से एक भी पद उस समय भर्ती नहीं की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अब इन 2000 पदों के लिए के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। तो दोस्तों, ये युवाओं, राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2000 पद पहले वाली सरकार ने पास किए थे, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो अशोक गहलोत सरकार ने 1835 पद और बढ़ाकर 3800 पदों पर इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो हो सकता है इसके अंदर टाइम लगे, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया ज़रूर शुरू होगी। तो आप तैयारियों में, जो पटवारी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारियों में जुट जाएँ। चलिए अगली भर्ती की बात करते हैं। अगली भर्ती है कनिष्ठ लिपिक के 801 पदों के संशोधित अर्थना को मंजूरी। जयपुर 13 जुलाई, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना जो है वो उसको मंजूरी दे दी है। यानी कि जो अपनी कृषि उपज मंडी है उसके अंदर 801 पदों पर भर्ती होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5% तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना में संशोधन किया गया है। अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अब नेक्स्ट भर्ती अपनी है छबड़ा एवं कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट के लिए सृजित होंगे 220 पद। जयपुर 13 जुलाई, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ओर से कि यूनिट 1 से 6 एवं कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 एवं 2 के लिए विभिन्न संवर्ग के 220 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालयिक कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, टेक्निकल वर्कमैन के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन परियोजनाओं के विनिवेश का निर्णय लिया था, जिसके चलते इन परियोजनाओं में नए पदों के सृजन को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इन योजनाओं की बेहतर स्थिति को देखते हुए इनका विनिवेश नहीं करने का निर्णय लिया और नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सूचना है राजस्थान के युवाओं के लिए। तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि भर्तियां जो है वो पास हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सूचना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।